सरबरा दिफाए पाकिस्तान सोशल मूवमेंट विंग डॉक्टर पीर ताज जलानी ने जारी वीडियो बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। महंगाई और आम अशिया की चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान में इदारों को मजबूत किया जाए ताकि अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता दिन ईवीएम मशीन पर अपना बिल असम्बली से पास करा लिया और अब वोटिंग का जो तरीक़ाकार होगा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होगा। दिफाए पाकिस्तान ये समझती है कि आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर मान लेते हैं, अगर इससे इस मशीन के ज़रिए अगर वोटिंग का तरीक़ाकार सही होता है तो इससे तो वही लोग जीत के आएंगे जो पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं। इससे आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? इस बिल के पास कराने से, इस मशीन को पास कराने से आवाम को क्या फ़ायदे हासिल हुए और क्या फ़ायदे हासिल होंगे? दिफाए पाकिस्तान सोशल मूवमेंट आवाम से ये मुतालबा करती है कि आवाम अपने हकूक़ के लिए सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाए। सोशल मीडिया हर आम आवाम के पास मौजूद है, वो अपनी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाए, ना कि हकूमत के इन बिलों पर यकीन करे कि इससे आवाम का कुछ भला होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।